40,000 की मोटरसाइकिल है, गरीब है वो। हाँ तो गरीब तो है ना। यहाँ से तीली से लेकर आप जहाँ भी जाओ पेट्रोल तक सब चीज़ महंगा है। महंगाई का राज है और कोई पूछने वाला नहीं है हमारे मुल्क में। हम कुछ भी नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला उनको खुद ही अता देगा, हम क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलवी। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। किस मतलब कौन से शोबे से रिटायर्ड हैं? सुई सदरन गैस कंपनी। अच्छा, सुई सदरन गैस कंपनी। तो आपको फिर तो काफ़ी मालूमात होंगी पेट्रोल की कीमतों की। देखिए, पेट्रोल की कीमतें जो है वो आलमी मेयार पे तय होती है, पाकिस्तान में तय नहीं। नहीं आप नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि पेट्रोल की कीमत 123.79 रुपये बढ़ गई है। दुनिया में इस वक्त फिर भी सबसे सस्ता है। फिर भी सस्ता है? बिल्कुल मतलब सस्ता। आप इस चीज़ के हक में? बिल्कुल हक में हूँ। कहाँ से आप कहाँ से देंगे? अच्छा। आपको मुफ्त पेट्रोल मिलेगा क्या? नहीं नहीं, मुफ्त नहीं, और गरीब लोग भी हैं ना। तो इसीलिए गरीब लोग का क्या मतलब है? गाड़ी चला रहा है 40 लाख की 40,000 की मोटरसाइकिल है, गरीब है वो। हाँ तो गरीब तो है ना। गरीब हो गया। कोई कोई गरीब लोग नहीं 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 गरीब लोग तो है ना। कमाल कर रही है, कैसे गरीब है? मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? मोटरसाइकिल की कीमत जरूरी तो नहीं, उन्होंने किस्तों में भी ली हो सकता है ना। कमा चला, मैं चलाने की बात ही नहीं की। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ, अब 1 लाख की मोटरसाइकिल है किसी तरह। आप पेट्रोल की कीमतों मतलब आप पेट्रोल की कीमतों से मतलब दुनिया, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता है दुनिया भर में सबसे सस्ता पेट्रोल। मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील, अच्छा, बड़े जज्बाती हुए हैं आप। जज्बाती इतने तंग हुए हुए हैं जी सर जी, सुबह से लेके शाम तक जहाँ भी जाते हैं ना, बस महंगाई का राज है और कोई पूछने वाला नहीं है हमारे मुल्क में। इस बात कौन पूछने वाला नहीं है? बहुत अफसोस है, कोई ऊपर नहीं है पूछने वाला। अच्छा। आपने वोट किसको दिए? हमने तो वोट नून लीग को दिया। नून लीग को दिया है? अच्छा, यहाँ तो मोस्टली मुझे वही मिल रहे हैं जिन्होंने नून लीग को ही वोट दिया, क्योंकि पीटीआई से तंग है बहुत ज्यादा, इन्होंने तो खीर कर दी है जी। मतलब आप क्या काम क्या करते हैं? टेलिंग का काम करते हैं। काम करते हैं। अच्छा, कोई पेट्रोल बाइक वगैरह है जिसमें पेट्रोल शेट्रोल डलवाया? देखें ना, बाइक में पेट्रोल डलवाया ना। अच्छा। तो वो कह रहे हैं भाई अभी महंगा हुआ है यार। हाँ अभी 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 तो जब खबरें चली हैं तो मैं आई और मैंने आप मैं कह रहा हूँ ना कि कोई पूछने वाला नहीं है। देखें ना, अब कहाँ जाएं हम? कोई नहीं, आवाम आवाम की आवाज़ क्यों नहीं पहुँचेगी? पहुँचेगी इंशाल्लाह। कोई ना कोई सुनने वाला होना चाहिए तो जब ही मुल्क चलेगा, वरना काम खराब है वो। इंशाल्लाह। और आपने आपने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, निकाल दें? नहीं, मैंने निकाल दी है ना, मैंने तो कह दी है ना कि आने वाले जो हमारी नस्लें हैं बची हैं उनको हम क्या दे के जाएंगे इस मुल्क में? अगर ऐसी हालात जो खुद करेंगे वही दे के जाएंगे। अब देखे ना हालात कैसे जा रहे हैं, आप खुद सोचें। हाँ हालात के तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बहुत परेशानी है जी, बहुत ही तकलीफ है। आप हालात से बहुत ज्यादा तंग? बहुत ज्यादा तंग है, फिर महंगाई की वजह से। बहुत महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। आपकी मैं इमरान खान तक तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इस जरूर टीवी से तो हम इनसे खुद पूछें यार आपने क्या। वो आपको बहुत अच्छे अच्छे पचीदा पचीदा अल्फाज से जरूर नवाजेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप क्या करते हैं? मुलाजमत करते हैं जी। किस चीज़ में मुलाजमत? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब किस चीज़ की? मैं मार्केटिंग करता हूँ एक कंपनी में। अच्छा, ऑनलाइन? नहीं नहीं, ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन। आप मुझे ये बता सकते हैं पेट्रोल की कीमतों के बारे में? मेरा आपसे सवाल था कि 123.79 रुपये बल्कि वैसे हो गए। देखिए, हुकूमत ने तो आते ही कह दिया था कि अगर 200 का भी हुआ तो आवाम लेगी। तो ये हुकूमत की गलती है? बिल्कुल। कैसे? आज तक तो रेट ऊपर नहीं, वोट आप 20 से ऊपर है जी। वोट आप लोग देते हैं? हमने तो नहीं दिया। नहीं दिया? किसको दिए? आईडी कार्ड नंबर मेरा लिख लें, आप चेक कर लें। अच्छा, मैं अब स्पेशल आपका आईडी कार्ड नंबर सबके सामने निकालूं? आप किस बेस पे कह रही हैं आप लोग? नहीं, आप लोग मतलब यूथ ही देती, यूथ ही ने बहुत आगे बढ़ाया हुआ था ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किसको दिए? अब लोग जो कह रहे हैं। आपने किसको दिए? हमने नून को। अच्छा, नून को दिया। नून, अच्छा, नून के वक्त पेट्रोल की कीमतें बहुत सस्ती थी। इतनी नहीं थी, इतनी थी। अच्छा, अफोर्ड में थी। अभी मैंने एक बुजुर्ग साहब से वो सवाल किया था, वो कह रहे थे कि क्या नाम है, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 1 लाख। आप ये बाइक कितने का लिया आपने? ये तो बहुत पुराना है, मेरे दादा बू का। अच्छा, दादा बू का बाइक। अच्छा, दादा बू की बाइक में कितना पेट्रोल डलता है? जब 100-200 जितना डलवा लो। 100-200 का डल जाता है। अच्छा, वो अभी मैंने उनसे सवाल किया था ना, तो वो कह रहे थे कि 1 लाख का जब बाइक ले सकते हैं तो अफोर्ड भी बंदा कर सकता है। तो मैं काश उनको बुला सकती होती कि वो आपको बता दें कि अफोर्ड हर कोई नहीं कर पाता, शायद किस्तों पे भी लिया हो। आप जैसे लोग भी होते हैं जो दादा बू के बाइक पे गुजारा कर रहे होते हैं।
बस ये उन्हीं की देन है, वरना हमारी क्या हैसियत है इस हुकूमत के दौर में। हम मोटरसाइकिल इनकी देन है, दादाबू की देन है। अच्छा, मतलब कपड़े शपड़े सब दादाबू लेके देते हैं। जी 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 जी। अच्छा माशाल्लाह, ये मतलब दादाबू अभी, अच्छा मतलब आपकी औलाद को भी दादाबू ही संभालेंगे आगे, मतलब आपने कुछ नहीं करना। जी नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह मौका देता है सबको। सबको मौका देता है। अच्छी जी जी, चलो इंशाल्लाह। अच्छा, आप गाने सुन रहे हैं? नहीं, एक मुझे पता है इमरान खान के, वो ऑब्वियसली मुझे फैसले से तंग आके ना ये उदास हो गए मेरे ख्याल से। फैसला सुना है आपने? मैंने फैसला सुना है उनका, क्या पेट्रोल की, हाँ ये 5 रुपए जो महंगा किया है। उससे मतलब आपने दुखी गाने लगा लिए ना? ये नहीं, गाना नहीं, मेरे पास ये कवाली लगी है। अच्छा, तो जब वो ही कवाली ये दुखी है ना? हाँ, ये मतलब आप शायराना अंदाज में चले गए। हाँ, ये बात है। हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल की कीमतों के बारे में? पेट्रोल की कीमतें, ये तो जिस आवाम ने वोट दिया है, जिस आवाम में, आप आवाम में नहीं आते? नहीं, मैंने वोट नहीं दिया था। अच्छा, आपने नहीं दिया, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दो ऐसे लोगों से मिली हूँ जो जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया। मेरा उस वक्त वोट बना हुआ ही नहीं था, और अगर बना हुआ होता तब भी मैं वोट पीटीआई को ना देता। क्यों, कोई पर्सनल दुश्मनी? नहीं, पर्सनल नहीं है वैसे। पता लगे आज ही? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जब आनी है तो आ जानी है। नहीं, वैसे कोई पर्सनल दुश्मनी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही एक बंदे का माइंड नहीं करता कोई। अच्छा, माइंड नहीं, क्या माइंड नहीं करता, मुझे भी बता देना, मुझे मुझे जानना है आपका माइंड ना करना। माइंड किस लिए नहीं किया? हाँ। उनको बस एक बंदे के साथ, बंदे के जहन मुतमइन नहीं होता। जहन क्यों मुतमइन? क्यों मुतमइन नहीं होता? यही तो क्यों मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं होता? इस क्यों का कई लोगों के पास जवाब नहीं होगा जितने। अच्छा, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं वोट नहीं देती किसी को, तो मेरा जहन नहीं मुतमईन होगा ना किसी चीज़ के लिए? तो किस चीज़ के लिए नहीं होगा? मुझे पता है नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लगते कुछ लोग, तो अच्छे लगने ना लगने पे डिपेंड करता है। ये बात तो है, लेकिन बस मतलब कौन सा पीटीआई में कौन सा नहीं अच्छा लगता? मेरा भी आप यही बात समझ लें कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं, कौन? इमरान खान अच्छा नहीं। इमरान का, सिर्फ इमरान खान अच्छा नहीं लगता, बाकी सब इन्हें पीटीआई में अच्छा लगते हैं, इनका कहना है? नहीं नहीं, अच्छा। बाकी सब अच्छे नहीं लगते, ये बात आपने। मुझे पीटीआई से इतनी मोहब्बत नहीं है। हाँ जी, तो इसीलिए आप बोलते बस मुझे पीटीआई अच्छी नहीं लगती। हाँ, पीटीआई। इन शॉर्ट, इतना आसान मतलब जवाब था, इन्होंने घुमा फिरा ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, सीधा बोलते पीटीआई अच्छी नहीं लगती। अच्छा, पेट्रोल की कीमत मतलब होनी चाहिए, क्या आप एकदम देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? पेट्रोल की कीमत कैसे सस्ती हो सकती है? पेट्रोल की कीमत कैसे सस्ती हो सकती है, ये तो ऊपर जो वजीर मुशीर बैठे हैं उन्हें ही पता है, वगरना उनको पता। हमें भी पता होती है कभी-कभी। नहीं, हमें, हमने जो देखी है कि 120 से 63 पे अगर आ सकती है, तो फिर 123 से ऊपर 63 तक जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर जेलानी बलूच। क्या करते हैं आप? मैं वेटरनरी ऑफिसर हूँ, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा, आप ये पेट्रोल की, आपने खबर तो सुनी होगी कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी है। कौन सा चीज़ यहाँ सस्ता है? यहाँ पे हर चीज़ महंगा किया गया है, प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई है, हर कोई कहता है कि भाई ये यहाँ से तीली से लेकर आप जहाँ भी जाओ पेट्रोल तक सब चीज़ महंगा है। सब चीज़ें महंगे, मतलब आप चाहते हैं कि सब चीज़ें सस्ती हो जाएं कोई चीज़? अभी मैंने एक बुज़ुर्ग से भी सवाल किया, वो कहते हैं कि अगर हम 1 लाख का बाइक ले सकते हैं तो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, 1 लाख का अफोर्ड वही कर सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा मनी हो। वो एक एक पैसा बचा के, मतलब मैंने उनसे बोला कि शायद उन्होंने किस्तों में भी लिया हो। नहीं, वो सर्वाइव करे या वो बाइक ले ले। अब उन बुजुर्ग को कौन समझाए कि पैदल तो आ जा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह तो आना होगा। तो फिर वो एक एक पूंजी जमा करके इस महंगे मुल्क में, यहाँ पे माहौल इस तरह है कि शो किया जाता है कि हम लोग जो है रियासत मदीना है सो कॉल्ड, और वो वसाइल दे रहे हैं युगांडा वाले, तो फिर वो कीमतें आसमान से बातें करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम ऑक्सफोर्ड या फिर न्यूयॉर्क वाले एरिया में हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ जो है बदाली युगांडा वाले मुल्क की तरह है। सिर्फ इधर टैक्सेस पे करते हैं, ब्यूरोक्रेसी है और कुछ नहीं, बाकी दूसरे जगह पर अफसरशाही है, फेडरल में भी अफसरशाही है, बलूचिस्तान, मैं खुद बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, उधर सरदारशाही है, अफसरशाही है, फेडरल में भी ब्यूरोक्रेसी है, ये कहाँ छोड़ेंगे हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए जो भी चलें। फिर आप पेट्रोल की कीमत मतलब क्या कहना चाहते हैं और कैसे सस्ती होगी? पेट्रोल की कीमत मैंने कहा पिछली बार भी कि मैंने जैसा पहले कहा, एज आई सेड बिफोर, कि भाई यहाँ पे सब चीज़ महंगा है। पेट्रोल तो आप एक हफ्ता जागो सुबह उठो फिर महंगा, फिर महंगा, फिर महंगा,
ये खान जो है नहीं, अब सारा खान साहब की तो गलती नहीं है, जो खा के गए हैं उनकी भी गलती है ऑब्वियसली। इंटरनेशनली आप जो भी बैरल्स चेक कर रहे हैं ना, हाँ जी, इंटरनेशनली बैरल जो चेक करे वो पाकिस्तान से बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे पैसे की कोई कदर नहीं, गिर गई है। ऑब्वियसली पैसों की कदर अगर नून लीग वाले रखते हैं तो जरूर होती पैसों की कदर। मैं इंडिविजुअली किसी को नहीं कह रही, बिकॉज मुझे हक नहीं बनता किसी को इंडिविजुअली कहने का, बट अगर पैसों की कदर रखने वाले रखते हैं तो तब इमरान खान साहब कुछ सही कर सकते थे ना। इकोनॉमिकल एक्सपर्ट टाइकून्स को सपोर्ट करते तो आप 15 साल जो है किसी से उधार नहीं लेते या किसी से चावल नहीं लेते सऊदी से। वही बोल रही हूँ ना, इसमें सिर्फ पर्सनली इमरान खान की गलती किधर निकली, क्योंकि पिछली हुकूमत थी तो पिछली हुकूमत ऑब्वियसली थी मौजूदा, तो इसने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है अहमद से कर्ज लेके। इन्होंने रिकॉर्ड उस सूरत में तोड़ा है ना, ये जो आपके साथ ये बोल रहे हैं, 5 साल में वो कर्ज लिया, इन्होंने 1 साल में वो बराबर कोटा कर दिया। बराबर कोटा जरूर, मैं मानती हूँ बराबर कोटा किया, लेकिन अगले बंदों ने ये सिचुएशन पैदा की। तो बात ये है कि आप हिस्ट्री पढ़े तो तुर्की ने भी IMF से लिया था, लेकिन वो 3 साल में कवर कर दिया तैयब एर्दोगान ने। ऐसा कोई प्रेसिडेंट हो जो, हाँ मतलब ठीक है, आप इर्तुगुल को जरूर लाएंगे इस, नहीं नहीं मैं वैसे बात कर रही हूँ कि इर्तुगुल ड्रामा आपने तो देखा होगा, उसको जरूर लाएंगे इस मुल्क को चेंज करने के लिए। हिस्टोरिकल वो फिल्म है, उसको किसने नहीं, हाँ मतलब उसका रियासतें मदीना नहीं रियासतें तुर्की कह सकती हूँ, किस तरह चलाना है। रिपब्लिक ऑफ तुर्की। अच्छा आप क्या करते हैं? शिफ्टों का काम करते हैं। शिफ्टिंग का काम करते हैं, अच्छा आप शिफ्टिंग के काम में पेट्रोल तो लगता होगा आपका, बहुत ज्यादा लगता है। और आपने न्यूज भी सुनी होगी आज की, आज की न्यूज़ का तो मुझे नहीं पता है। नहीं तो पेट्रोल लगता है इतना ज़्यादा तो न्यूज़ भी तो सुननी चाहिए ना आपको आज की। वो पेट्रोल जब पंप पे देख के हमें पता चल गया कि क्या न्यूज़ है ना, पता लग गया है ना। तो मैं वही उसी पंप के हिसाब से आपसे पूछना चाहती हूँ कि 123.79 रुपये हो गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब हमें फ्यूल पूरा कर बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप शिफ्टिंग क्या पूरी रात आपकी शिफ्टिंग होती है? नहीं शिफ्टिंग नहीं, बस मतलब गाड़ियों में पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं। अच्छा पिक एंड ड्रॉप मतलब स्कूल्स यूनिवर्सिटी वगैरह? जी वो भी बंद होते हैं, बस जो आते हैं 2-4 दिन। कोई नहीं, बच्चों से ले लीजिएगा बच्चों से थोड़े थोड़े इकट्ठे करके 123 रुपये। आप इमरान खान साहब को क्या कहें हम? चले आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ भी नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला उनको खुद ही हिदायत देगा, हम क्या कहेंगे। हाँ मतलब कह के बस और हिदायत नहीं मिल सकती, हम हिदायत ही दे सकते हैं और कुछ नहीं, बस ये तब्दीली का हमें ये सबक मिला। मतलब अब वो कहेंगे अब आप मुझे हिदायत देंगे नहीं मैं नहीं कुछ हिदायत दूंगा, मैं यही कहूँ अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा, भाई हमारे अलबे रहम करेंगे। मतलब ये फिर और सूरत हाल कैसे बदली जा सकती है, आप क्या कहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? हम कुछ भी नहीं कह सकते जी, बस हमने हमारी खुद गलती है, हम किसी को क्या कहें, हम अगर वोट ना देते। वही कहते हैं ना कि हुक्मरान पे ही डिपेंड करता है कि हम सब कुछ कहें, हुकूमत हुक्मरानों से चलती है। हमने तो कहा था कि हमें बड़े सुकून मिलेगा, बड़े सहूलत मिलेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ ये इतना जुल्म होगा। अच्छा तो जुल्म भी आप लोगों ने अपने साथ खुद ही किया है? बस एक ही बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं, बार बार नहीं होगी, अगर फिर हुई तो नहीं, फिर मैं ऑडियंस से कहूँगी, सब आवाम से कहूँगी कि आपको